मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन और नॉट फाइन? गुड। चलो लेट्स वी स्टडी मैथ्स मैजिक वर्कशीट। हमने मैथ्स मैजिक की टेक्स्ट बुक में से मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया, ओके? अब उसका जो वर्क है वो हमको इस वर्कबुक में करना है। तो इस वर्कबुक को, मैथ्स मैजिक की ये वर्कबुक आपको निकालनी है, जो आपको पिक्चर में दिखाई देती है, वीडियो में जो मैंने दिखाया हुआ है, बुक का जो कवर है वो, ये मैथ्स मैजिक की बुक आपको ये निकालनी है। उसमें चैप्टर नंबर 1 का वर्क हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1, वेयर टू लुक फ्रॉम, जो ये चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। येस और नो? येस। अभी ये जो उसका वर्क है वो इसमें से हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट, अंडरलाइन द करेक्ट व्यू टू लुक एट दिस थिंग्स। मैंने आप उस फर्स्ट चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था किसको फ्रंट साइड बोलते हैं, किसको और बॉटम कहते हैं, किसको टॉप कहते हैं, किसको बिहाइंड कहते हैं, वो सभी मैंने बताया था। येस और नो? येस। अभी उस को रिकॉल थोड़ा कर लो, याद कर लीजिए, फिर इस वर्कशीट में प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो तो पहले इस कार को देखो। कार को का पिक्चर है वो ऊपर से दिया है, मतलब टॉप है, साइड है या फ्रंट है? तो ये फ्रंट का पिक्चर दिया हुआ है। किसका? फ्रंट। तो फ्रंट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ये साइड में अंडरलाइन नहीं करना है, फ्रंट में आपको साइड में ही दिया है, तो साइड में आपको साइड के नीचे अंडरलाइन करना है, ओके? फिर जो दूसरा जो पिक्चर है वो किसका दिया हुआ है? कार का ही है, पर फ्रंट से दिया हुआ है, साइड से दिया है या टॉप से पिक्चर दिया हुआ है? कैसे दिया हुआ है, साइड, टॉप या फ्रंट? तो ये फ्रंट का पिक्चर दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ से मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर साइड के नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी। ये जो पिक्चर है वो आगे से दिया हुआ, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। तो फ्रंट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। फिर ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड कंप्लीट द अदर हाफ। आपको इसमें एक साइड पिक्चर बनाकर दिया हुआ है, ये जो पिक्चर है वो मैंने ड्रॉ किया है, आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे जैसा हाफ पिक्चर दिया है उसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर बटरफ्लाई दिया हुआ है, हाफ बटरफ्लाई ऑलरेडी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, येस और नो? सेम टू सेम दूसरा पार्ट आपको कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से शेप देकर इस बटरफ्लाई को ड्रॉ करना है, ओके? अभी क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट दिस फिगर्स टू फॉर्म द बेसिक शेप। आपको बेसिक शेप तो स्टूडेंट्स पता ही होंगे, बेसिक शेप मतलब रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, स्क्वायर, वो बेसिक शेप है। तो वो बेसिक शेप आपको आते हैं, तो उस बेसिक शेप को यहाँ पर ड्रॉ करना है, पर इस डॉट को जॉइंट करके, जैसे रेक्टेंगल मैंने बनाती हूँ तो ऐसे सभी 3 डॉट्स जॉइंट करके आपको रेक्टेंगल बनाना है। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इस डॉट्स को जॉइंट करके ही आपको बनाना है, ठीक है? तो ये जो पेज नंबर 3 आपको समझ में आ गया, ओके, गुड। अभी पेज नंबर 4 निकालो, टर्न योर पेज, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, ओके, पेज नंबर 4 पे क्या है? गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट दिस हेवल्स, कंप्लीट देम। आपको हाफ ही पार्ट दिया हुआ है, हाफ पार्ट, हाफ जो लेटर है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि ये पहले तो पहचानना होगा किसका स्पेलिंग है, तो ये डाइस का स्पेलिंग है, डाइस, DICE, डाइस। ये हु है, WHO, हु। ये बुक है, बुक का स्पेलिंग है, और ये जो है वो क्या है, वैक्स का स्पेलिंग है।
अभी ये स्पेलिंग को आपको पूरा करना है। ये देखो आपको हाफ डी दिया हुआ है, उस पूरे डी को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, कंप्लीट करना है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाकर इस पूरे ऐसे डी को कंप्लीट करना है। वैसे आई को कंप्लीट करना है, सी और ई, वैसे ये सभी फोर जो लेटर्स दिए हुए हैं, स्पेलिंग दिए हैं, उसको पूरा आपको कंप्लीट करना है। हाफ ही लेटर दिया है, उसको जॉइंट करके पूरा लेटर आपको बनाना है, ठीक है? ओके, अभी पेज नंबर 5 आप देखो। पेज नंबर 5 पे ड्रॉ द टॉप ऑफ एनी ऑफ टू थिंग्स, आपको क्या करना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, दो चीज़ें लेनी है, उसका जो ऊपर टॉप का जो भाग है वो ही सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। तो सपोज के ये मैंने डाइस लिया हुआ है, डाइस आप खेलते हो ना, डाइस के साथ सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हो ना, तो ये डाइस मैंने लिया है। डाइस का जो अपर पार्ट है, टॉप पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है वो मैंने ड्रॉ किया है। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने डाइस का लिया हुआ है, डाइस का टॉप पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। वैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई का भी टॉप पार्ट ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बुक्स लिया है, जो बुक्स होती है उसका ये जो टॉप पार्ट होता है इसको टॉप पार्ट कहते हैं। तो टॉप में मेरे को क्या दिखता है, ऐसा एक ट्राइंगल दिखता है, सॉरी रेक्टेंगुलर दिखता है। तो उस रेक्टेंगुलर को आपको इसमें ड्रॉ करना है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और वहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखकर ए टू जेड वैसे हेडिंग दिया है। आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बुक ड्रॉ दूसरी की और यहाँ पर मैंने लिखा स्टोरी बुक, तो आप कोई भी ऐसा बुक्स बना सकते हो और कोई भी ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है? ओके, लास्ट पेज, पेज नंबर 6 देखो। पेज नंबर सिक्स में आपको क्या करना है, आपको ये जो लेटर है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ए है, तो मैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह है, यहाँ पर कम है, तो वैसे नहीं, एक जैसी ही होनी चाहिए। तो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी, वर्टिकल्स लाइन करूँ। अब देखो दोनों साइड ए एक जैसे इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, येस और नो? येस। वैसे सभी लेटर्स को इक्वल पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे ऊपर लेटर्स दिए हुए हैं, नीचे शेप्स दिए हुए, शेप्स को भी आपको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो पूरा चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक में से। आपको ये सेम टू सेम जो चैप्टर्स है वो अपनी वर्कबुक पे कंप्लीट करना है। कुछ भी समझ में ना आए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी, पीडीएफ में से आपके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, फिर आप अपनी बुक्स कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।